गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर आपके साथ केमिस्ट्री की सीरीज लेकर देखते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं भाई, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अब एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आप लिखे हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग, या फिर हिंदी में कहेंगे आप इसे रासायनिक आबंधन इसे कहेंगे। तो इसके बारे में देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना, अगली पूरी जितनी भी केमिस्ट्री है आपकी इसी चैप्टर पर डिपेंड है। इसी चैप्टर से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी यौगिक किस प्रकार से बनता है। जैसे आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, खाने का सोडा NaHCO3 होता है भाई। तो ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर से समझ में आएंगी भाई। तो आप बहुत ही ध्यान से और धैर्य के साथ इस चैप्टर को पढ़ें। तो रासायनिक आबंधन मतलब किसी भी परमाणु के तत्व या तत्वों द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार से संयोग करते हैं, इसके संबंध में कुछ नियम दिए गए हैं कि कोई भी परमाणु तत्व का परमाणु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है और उसमें कौन कौन से रासायनिक बंध बनते हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों को आप पढ़ लेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहले सिद्धांत है आपका संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या फिर इसे अष्टक नियम भी कहते हैं, ये ऑक्टेट थ्योरी भी कहते हैं, नियम कहते हैं। और इस नियम में क्या कहा गया है, बहुत ही धैर्य से केवल तीन पॉइंट हमें पढ़ने हैं, दो या तीन पॉइंट पढ़ने हैं, उन्हें देखो ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने सबसे पहले इसमें क्या कहा भाई, इससे पहले एक दो बातें समझ लें। ये जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसके माध्यम से कि रासायनिक बंध और परमाणुओं में अभिक्रिया कैसे होती है इन बातों की व्याख्या की जाती है, सही है। और इसी नियम में यह भी बताया गया है कि किसी भी परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनने की जो प्रकृति है वह उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। मतलब कोई भी परमाणु किस प्रकार से रासायनिक बंध बनाएगा, ये सारी बातें आपको किससे पता चलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। मुख्य रूप से जो बातें आपको समझनी है वो यही है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, कि कोई भी परमाणु कितने रासायनिक बंध बनाएगा और कैसे रासायनिक बंध बनाएगा, ये सारी बातें कौन बताता है, यही सिद्धांत। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। देखते हैं, देखो ये बात हो रही है, देखो 1916 में एक कौशल नाम के वैज्ञानिक थे, कौशल नामक वैज्ञानिक, इन्होंने अकार्बनिक पदार्थों में से रासायनिक बंध किस प्रकार से बनते हैं, इस बात की स्टडी की। और एक वैज्ञानिक थे लुई, इन्होंने कार्बनिक पदार्थों में किस प्रकार से रासायनिक बंध बनते हैं, तो इन दोनों ने स्टडी की 1916 में। कौशल ने अकार्बनिक यौगिकों में और लुईस ने कार्बनिक यौगिकों में कि ये पदार्थ रासायनिक बंध किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसी के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए इन्होंने। बिंदु, सबसे पहला बिंदु ये कहा, ये दोनों बिंदु आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला बिंदु इन्होंने ये कहा कि जिन तत्वों के परमाणु के बाहर का कोष आप समझते हैं, आउटर सेल, पूर्णतः भरे होते हैं, पूर्णतः
भरे होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं उनके बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। वो रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं करते, इन्होंने ये कह दिया वो रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं करते, यानी कि उनके द्वारा कोई भी केमिकल बॉन्ड, उनके द्वारा कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, इन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया। आप समझ पाए पहले बिंदु, इन्होंने ये कहा कि जिन तत्वों के बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई रासायनिक अभिक्रिया करते ही नहीं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं करेंगे तो क्या उसमें कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेट होगा, नहीं होगा, ये बात इन्होंने बताई। और इसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने अक्रिय गैसों को, कि आप अक्रिय गैसों को देख सकते हैं, अक्रिय गैसों में बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखो एक आध एग्जाम्पल भी देकर मैं बताता हूं, जैसे हीलियम के बाद आता है अगला नियोन 10, 2.8, इसके बाद आर्गन आता है 18, 2.8.8, तो इसके भी बाहर वाले कोष में 8 है, इसके भी बाहर वाले कोष में 8 है। और कौशल और लुई के अनुसार जिनके बाहर वाले कोषों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात वो कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कि नियोन और आर्गन रासायनिक अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बाहर वाले कोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस नियम को अष्टक नियम भी कहा जाता है, किस पर निर्भर करता है, बाहर के कोष के विन्यास पर, और यह विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है, तो आप याद रख लेना स्थायी होने के कारण ही ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पहला बिंदु समझ में आ गया। अब देखो इन्होंने दूसरी लाइन क्या कही भाई, बिल्कुल सीधी सीधी बात कही है दूसरी भी इन्होंने, कि जिन तत्वों के बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिनके बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी बात आप लिखें, दूसरी बात इन्होंने क्या कही, जिनके बाहर वाले कोष आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, और इस रासायनिक अभिक्रिया में ही क्या बनाते हैं, रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बात इन्होंने कही, क्यों बनाते हैं भाई, ये भी आप याद रखेंगे, जिसके बाहर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वह क्या करता है, अपने निकटतम निकटतम अक्रिय गैस जैसा बनना चाहता है, अक्रिय गैस जैसा बनना चाहता है, और इसीलिए वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है या इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात आप समझे, अक्रिय गैस कैसी है, स्थायी, तो दुनिया का प्रत्येक तत्व स्थायी ही होना चाहेगा, और स्थायी होने के लिए किसके जैसा विन्यास चाहिए, अक्रिय गैसों जैसा, तो अगर कम होंगे तो किसी से लेकर वो उसके बराबर कर लेगा अक्रिय गैस के। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, नियोन का कितना होता है, 10.8, यही होता है भाई, जबकि फ्लोरीन का कितना होता है, 9, 2.7, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या कर लेगा भाई, नियोन जैसा बन जाएगा। जैसे आप सोडियम को देखो, सोडियम का कितना होता है, 11.281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब किसके जैसा बन जाएगा, नियोन, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे से एक ले लेता है और ये किसी दूसरे को एक दे देता है। तो कुछ भी करना पड़े तत्व सभी कैसा बनना चाहेंगे भाई, अक्रिय गैस जैसा, तो यही इन्होंने इसमें बताया। और ऐसा जो कर सकते हैं दो प्रकार से कर सकते हैं, मतलब अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी संरचना कोई भी तत्व कितने प्रकार से बना सकता है, दो प्रकार से। आप लिख सकते हैं इस प्रकार को कि अक्रिय गैस जैसी संरचना कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, दो प्रकार से। ये संरचना कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, दो प्रकार से। पहला, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, मतलब या तो इलेक्ट्रॉनों को दे दो या फिर इलेक्ट्रॉनों को ले लो, इसे स्थानांतरण कह सकते हैं आप, स्थानांतरण करके, ट्रांसफर के माध्यम से। पहला तो साधन ये हो गया कि आप इलेक्ट्रॉनों को या तो दे दें
या फिर इलेक्ट्रॉनों को ले लें, तब भी क्या हो सकते हैं, अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा साझेदारी के माध्यम से, अगर वो स्थितियां नहीं बन पा रही कि आप क्या करें, किसी को इलेक्ट्रॉन दें और इलेक्ट्रॉन लें, तो आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी कर सकते हैं। साझेदारी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं भाई, अक्रिय गैस जैसी संरचना बना सकते हैं। तो दो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आए कि अक्रिय गैस जैसा बनना है तो या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना चाहिए या फिर क्या करनी चाहिए, साझेदारी। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो इसके फलस्वरूप जो बंध बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, उन्हें कहेंगे वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, या फिर इन्हें आयनिक बंध भी कह सकते हैं आप, आयनिक बंध, इलेक्ट्रोलाइटिक आपका बॉन्ड और या फिर आयनिक बॉन्ड, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और साझेदारी के माध्यम से जो बंध बनते हैं उन्हें कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो ये दोनों बात याद रखना, दो प्रकार के बंध आप पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तब वैद्युत संयोजी बंध, और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो सहसंयोजी बंध या कोवालेंट बॉन्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोवालेंट बॉन्ड कह सकते हैं भाई। तो दो प्रकार के हमें बंध पढ़ने हैं मूल रूप से, लेकिन ये तो 1916 की बात हो रही है। इसके बाद 1923 में सिडविक सिडविक और लोरी नाम के दो वैज्ञानिक आए, सिडविक और लोरी नाम के दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये कहा कि दो परमाणुओं के मध्य केवल अक्रिय गैस जैसी संरचना इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान और साझेदारी से ही नहीं अपितु एक तीसरा प्रकार और है उससे भी की जाती है, तो उसके माध्यम से जो बंध बनते हैं, इन्होंने उन बंधों को बताया उप सहसंयोजी बंध। तो आपको तीन प्रकार के बंध पढ़ने हैं, लोरी और सिडविक के अनुसार उप सहसंयोजी बंध, और कौशल और लुई के अनुसार वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, और तीसरे सहसंयोजी बंध। एक एक करके हम इन्हीं को पढ़ते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी कॉपी में पहला हेडिंग लगा लें, वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध, वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध। देखते हैं, देखो वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध क्या होते हैं, हेडिंग लिखो आप, वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बॉन्ड। देखो बिल्कुल एक शब्द में आपको समझना है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर का मतलब है स्थानांतरण, स्थानांतरण या फिर आदान प्रदान, आदान प्रदान या फिर देसी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं लेन देन, जब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है या फिर आदान प्रदान होता है या ट्रांसफर होता है, तब जो बॉन्ड फॉर्मेट होता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या फिर आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देकर बता रहा हूं, ये परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी कि एक तो अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी संरचना कब बना पाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन देकर, और दूसरा कब बना पाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर। जैसे सोडियम और क्लोरीन को ही देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 और इसका 2 8 7 यही होगा। तो देखो अक्रिय गैस दो जानते हैं आप, एक तो नियॉन 10 और एक आर्गन 18, 2 8 और 2 8 8। अब आप खुद बताओगे कि सोडियम 18 जैसा बनना आसान रहेगा इसके लिए या नियॉन जैसा, तो नियॉन जैसा बनना आसान रहेगा, क्योंकि देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो 7 ले ले
और आर्गन जैसा 18 बन जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे तो किसके जैसा बन जाए, नियोन। तो ये आसान कौन सा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसे त्यागना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है और इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, प्लस का। अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आर्गन जैसा बन सकता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसके जैसा बन सकता है, आर्गन जैसा, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किसके जैसा बन सकता है, नियोन। तो आप ये बताओ कौन सी अक्रिय गैस जैसी व्यवस्था प्राप्त करना इसके लिए आसान रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इस पर कैसा आवेश आ जाता है, माइनस का। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और लेन देन के फलस्वरूप इन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा Na प्लस और Cl के मध्य, वो क्या होगा, आयनिक बंध। क्लियर है भाई, आप समझ गए होंगे। जब इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर कर दिया, Cl को, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्मेट हुआ है होगा इनके मध्य, उस बॉन्ड को ही आप क्या कहकर चलोगे भाई, आप उस बॉन्ड को वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहकर चलेंगे। सही है इतना, देखते हैं। देखो इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, इसमें वैद्युत संयोजकता क्या होती है, संयोजकता बैलेंसी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, पिछले चैप्टर में हमने देखा था बैलेंसी को, और इसमें अब बैलेंसी के प्रकार पढ़ रहे हैं, वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता क्या होती है, तो देखो बिल्कुल सीधे शब्दों में, पर किसी भी पर मतलब जब वैद्युत संयोजी बंध बनता है, जब आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ही तो बनेगा, मतलब दिए गए और लिए गए इलेक्ट्रॉनों से ही बनेगा। तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, या फिर किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता। जिस परमाणु ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाएगी, और जिसने जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वह उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखो, NaCl के बनने में सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसी हो गई वो कितनी हो गई, एक। Cl ने कितना लिया NaCl के बनाने में, एक, तो इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसी कितनी हो गई, एक। सही है, तो ये तो आसान था। जैसे आपको बनाना है कैल्शियम का क्लोराइड, जैसे आपके पास एक कैल्शियम है और एक Cl, आपको इसका आयनिक यौगिक बनाना है, बहुत ध्यान से समझना, देखो आगे बहुत काम आने वाले हैं। सोडियम का 20 होता है, इसका 17, 2882 यही होगा भाई, 287। अब खुद देखकर बताओ, कैल्शियम को आर्गन जैसा बनने के लिए क्या दो नहीं त्यागने पड़ेंगे, दो अगर ये त्याग दे तो दो त्यागने के बाद क्या करेगा, इस पर प्लस के दो आवेश आ जाएंगे, सही है। और एक Cl कितने ग्रहण करेगा, एक, तब आर्गन जैसा हो जाएगा। तो कितने Cl होने चाहिए, दो, दो Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और टोटल एक पर कितना आवेश आ जाएगा, एक, तो दो पर टोटल कितना आवेश आ जाएगा, दो। तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा आपका, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, Ca का एक है, Cl के कितने हैं, दो, CaCl2, ये बना आपका कैल्शियम क्लोराइड, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब इसमें Ca ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, दो, वो इलेक्ट्रोवैलेंट जो बैलेंसी होगी इसकी वो क्या होगी, दो, जबकि एक Cl ने कितना लिया है, एक, हम टोटल की बात नहीं कर रहे, एक परमाणु ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, एक परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, एक, सही है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से बैलेंसी डिसाइड होती है इनकी, सही है। अगली वाली वीडियो में हम इसके मुख्य लक्षण पढ़ेंगे और सहसंयोजी बंधों को पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेस है आपका, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर बिल्कुल बेसिक ही हो जाएगा आपका, कुछ समझने लायक उसमें
बचेगा ही नहीं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। आपका कोई भी ग्रुप हो उस ग्रुप में जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर सभी को शेयर करें। थैंक यू।